अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, कैसे मिजाज हैं? सब ठीक है? वेरी गुड। आपको पता है कि मौसम गर्मी का आ गया, और जहां गर्मी का मौसम आता है इसका मतलब है लोड शेडिंग भी उसके साथ आती है। गैस की तो लोड शेडिंग चल रही है, तो अब तो बत्ती की भी लोड शेडिंग होने वाली है। और जहां बत्ती की लोड शेडिंग होती है इसका मतलब है लोग लाखों का बिल जमा करा देंगे लेकिन दरख्त नहीं लगाएंगे। हाय 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 बट साहब, मेरी दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया बट जी। अच्छा, आपकी तो हर रग दुखती है, अब क्या बंदा बात भी ना करे। मैं दरख्तों की बात कर रहा हूँ जानू। डोंट कॉल मी जानू, पूरी बात सुन लो। मैंने कहा कि हमारा दरख्तों के साथ यही रिश्ता रह गया है कि ऊपर जानू का नाम लिखना है। हाँ। और जब जानू छोड़ जाता है फिर असी दरख्त लभदे हैं कि जानू तो रहा नहीं, हुण मैं बूटा भी नहीं छड़ना। आप जानू का नाम दरख्त पे लिखने के बजाय जानू के नाम का दरख्त लगाएं। वाह 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 वाह, भैया क्या अच्छी बात की है। लेकिन जब किसी और नू किसी का जानू मिल जाए तो वो तो बूटा नहीं ना लाएगा फिर। अच्छा भाई, ये इन दोनों का जानू तो चलता रहेगा, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग इज रियल। आप देखते हैं कि जब बारिश होनी होती है तब बारिश नहीं होती, और जब बारिश का कोई मौसम नहीं होता तो एकदम ऐसी बारिश होती है। दीज आर ऑल अलार्मिंग स्टेट्स, और हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। वाकई ही ग्लोबल वार्मिंग इज अ रियल थ्रेट नाउ। वाकई भट जी ठीक कह रहे हैं, लेकिन साड़ी कौम बड़ी सादा जे। तुसी देखो जी, बेमौसमी बारिश होंगी है, कभी नहीं असं यह सोचते कि फसलों का नुकसान होएगा। उल्टा असं बेमौसमी बारिश से सोहने पकौड़े तल के पुराने जमाने के गाने ला के एवं सुस्त होकर मजा लेंदे रहे। अब हम लोग जिस सेलिब्रिटी को बुलाने वाले, ख्वातीन हजरात, वाकई ही बहुत ही कम अरसे में उन्होंने अपना इतना बड़ा नाम बनाया है। आप उनको टेलीविजन पे ऑलमोस्ट हर रोज़ ही आजकल देख रहे हैं। इस्लामाबाद से उनका ताल्लुक है, अदाकारा कमाल की हैं, उसके साथ साथ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और पॉलिटिकल वॉइस भी अपनी रेज करती हैं। प्लीज़ आपकी भरपूर तालियों में वेलकम मरियम नफी। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं आपको मरियम कहूँ या जीनत कहूँ, क्योंकि आजकल आप हमजा अली अब्बासी के इश्क में मुब्तला हैं। आपका नया ड्रामा जो है उसने धुएं मचाई हुई है। आपने स्क्रिप्ट देखी या आपने हमजा देखा? मैं हमजा को बहुत पहले से जानती हूँ। इसका मतलब आपने आपने स्क्रिप्ट देखा? मैं हर बार ही स्क्रिप्ट देखती हूँ, दैट्स व्हाई आई डू अ लॉट ऑफ कैरेक्टर एक्टिंग, बट नो द स्क्रिप्ट इज रियली नाइस। देन ऑफ कोर्स मैंने डायरेक्टर भी देखा, कासिम इज वेरी नाइस, ही इज अमेजिंग, कासिम अली मुरीद। हाँ हाँ, मेरा ख्याल है 11 बजे तक वो नाइस होता है, रात 11 बजे के बाद काफी बुरा। पता नहीं, हमारा सेट 10 बजे खत्म होता था। आपको अगर देखा जाए तो आप बहुत ही चूजी हैं व्हेन इट कम्स टू डूइंग अ लॉट ऑफ प्लेज। हालांकि कराची के अंदर प्लेज की एक लगातार लाइन लगी हुई है, ये ड्रामा भी करो वो ड्रामा भी करो, मेरे पास डेट्स नहीं है। यू मेक इट अ पॉइंट कि मैंने कम काम करना है। आई डू, द रीजन बिहाइंड इट इज के सबको से पता ही है दैट प्राइमरीली आई एम नॉट वेरी पैशनेट अबाउट एक्टिंग। अच्छा, मुझे लगा आप शायद कहेंगी आई एम नॉट दैट गुड एक्टर। वेल आई स्टिल वर्किंग। मजाक किया, नहीं नहीं, यू आर। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो मैंने और मरियम ने काम भी एक साथ किया हुआ है। वाह वाह वाह, ये तो ज्यादा मनहूस बात बताई आप। और मजे की बात है, मेरा और इनका आपस में कोई सीन ही नहीं था, हम लोगों ने एक भी सीन एक साथ नहीं किया ना। बड़ी बात है, इसी वजह से तो उनकी इतनी इज्जत बनी हुई है। और जहाँ क्रिकेट की बात करते हैं तो ये आजम खान के साथ आपका एक बड़ा अजीब सा रिश्ता है। सुना आप उनको गोद में लेना चाहती थी, आप मुंह बोली माँ बनी हुई है, क्या ये स्टोरी है? ये हमारा इट्स एन इनसाइड जोक। व्हेन ही इज इन कराची तो ही इज मोर, वो ज्यादातर हमारे घर पे होता है। और क्यों, आप फ्री बर्गर देती हैं? दैट टू, नो इट्स जस्ट लाइक अमान इज वेरी पैशनेट अबाउट क्रिकेट। हम थाईलैंड में एक शो करने के लिए गए थे, वहां पे अमान, आजम, शोएब, हम लोगों की बहुत दोस्ती हो गई, अमान, वसीम, सो आई थिंक वो जस्ट इट्स जस्ट ट्रांसपायर्ड इनटू आवर लाइव्स। और वो आपके घर आके रहना शुरू हो गए? रहना रहना नहीं, बट यार 3-4 बजे तक सुबह नॉर्मैलिटी है। नहीं, ये भी बड़ी बात है कि आपने उसको बड़ा होने के बाद बेटा बनाया,
बचपन में अगर आपने बेटा बनाया होता तो पास है टूट जाने से यू नो पासे बॉडी शेमिंग ना करे आप एहो जे बच्चे नु ते मां पे चुकदे नहीं किधरे मेनू चुकना पै जाए नहीं नहीं ये बॉडी शेमिंग नहीं करते ये बॉडी वेरी शेमिंग करते हैं अगर आप इनका मुंह देखें तो मुंह भी इनका ना बिल्कुल छिलवे गोंगलू जैसा आप उनके साथ हैं कि मेरे साथ ये बताएं पहले जी मैं उनके साथ हूँ मेरी मेहमान है माशाल्लाह आपके हस्बैंड बड़े गुड लुकिंग इंसान है बड़ा वेल बिल्ट है तो वो उनको भी कोई शौक है स्पोर्ट्स वगैरह का yeah, he's very passionate about cricket but of course he's a director and now it's too late he's not playing बड़े डायरेक्टर्स हैं जो कि क्रिकेट की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं नहीं इतना उनके पास टाइम नहीं ये बड़ा एक हमारा क्लीशे होता है कि एक एक्ट्रेस की डायरेक्टर के साथ शादी हो जाती है ये रोमांस तब से चलता आ रहा है गुरुदत्त के जमाने से तो आपका भी ये रोमांस तब से चला कि भाई अच्छा मैं एक एक्ट्रेस हूं मैं शादी डायरेक्टर के साथ ही करूंगी ऑन द कॉन्ट्ररी आई नेवर वांटेड टू गेट मैरिड इन द इंडस्ट्री आपके हस्बैंड से आपकी पहली मुलाकात कब हुई शूट पे अच्छा बीवी एक्टर होवे बंदा डायरेक्टर होवे सब तो ज्यादा फायदा की है डायरेक्शन के चक्कर जी नाश्ता बनवा लेता जी तो वो पहला एक्शन के ऊपर ही मोहब्बत हो गई थी कि no. जब उन्होंने कहा एक्शन नहीं 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 हमने उस शूट पे आपस में बात भी बहुत लिमिटेड की थी इट वाज वेरी प्रोफेशनल अच्छा एज ही वाज से कि भाई मैं इस किस्म का डायरेक्टर नहीं हूँ और ही मेक्स इट अ पॉइंट कि यू नो आई डोंट लाइक हैव फ्लिंग्स और अफेयर्स विद माय टैलेंट बिल्कुल सही इफ यू वर सो कीन ऑन नॉट मैरिंग इन द इंडस्ट्री हाउ डिड ही पर्सुएड यू टू Oh. He did not actually. Okay. आपने फंसाया. Very good. अरे वाह वाह वाह. हम बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे. अच्छा. And you know that still is. I feel कि हमारे relationship का जो key point है that's our friendship. We're very comfortable with each other. He's very understanding. So I think that friendship got into this. दोस्ती होनी बड़ी जरूरी है, especially आजकल के इस दौर में मियाँ बीवी का दोस्त होना सबसे पहले आता है और मियाँ बीवी होना बाद में आता है. बीवी सही कह रहा हूँ. यार प्यार होना चाहिए, प्यार में तोहफे भी एक दूसरे को देने चाहिए. देखें महरीन ने मुझे फूल गिफ्ट किए, मैंने इनको व्हीलचेयर दी. ऐसे कराची किंग्स को आपने बड़ा सपोर्ट किया, शोएब मलिक भी आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं. तो कराची किंग्स तो शुरू शुरू में ही आउट हो गया था. आपकी प्रेडिक्शन क्या थी कि इस्लामाबाद विल विन? Because Islamabad has won now. So, जब हम specially PSL कर रहे होते हैं, हम we of course want this is a Pakistani brand, right? This is a Pakistani tournament, and we want to promote it to its fullest. But लोगों को लगता है कि हम क्योंकि मैं इस्लामाबाद से हूँ, naturally मेरी inclination थोड़ी सी ज़्यादा होती है towards Islamabad. ज़ाहिर बात है, मैं लाहौरी हूँ तो लाहौर के अंदर से होते हैं. हालांकि मैंने दूसरे मैच के बाद अपनी पार्टी बदल ली थी. Kerala is very close to my heart. मुझे हमें थोड़ा सा लग रहा था कि यू नो थोड़ी सी टीम वीक है. हमारे दोस्त यार हैं उसके अंदर ऑफ कोर्स, बट थ्रू एंड थ्रू ऑन पेपर जैसे इस्लामाबाद वाज अ फिनोमिनल टीम, मुल्तान वाज अ वेरी गुड टीम. सिंपल सी बात है, मुल्तान सुल्तान जो है वो पीएसएल की साउथ अफ्रीका बन चुकी है. जब वो बेचारे फाइनल में आते हैं बेचारे फुस हो जाते हैं. और अगर आप पीएसएल का फाइनल भी देखें तो मुल्तान सुल्तान ने एक्चुअली काफी बुरा प्ले किया. इन दोस टर्म्स तो मैं कह सकती हूँ कि फिर अच्छा इस्लामाबाद ने भी कोई फिनोमिनली परफॉर्म नहीं किया, उनको ये चेस कर लेना चाहिए था. भाई मैं कह रहा हूँ सदके का बकरा क्या होता है, क्योंकि अगली टीम इतना अच्छा प्ले नहीं करेगी, अगले को यूं देती थी. आप जीत जाए, आप इस्लामाबाद से रहे, आप कराची में रही हैं. सो इस्लामाबाद वाले तो बर्गर्स, मेरा मतलब इस्लामाबाद वाले तो उनके लिए बड़ा हार्ड होता है कराची की लाइफ. मेरे लिए अभी भी बहुत हार्ड है कराची की. अच्छा, इसलिए मैं 15 दिन अपने शहर में गुजारती हूँ. अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्ट पहले कर लिया था कि 15 दिन मारो? No, so you know, I don't work that much. मैं बहुत ज़्यादा मान के साथ काम करती हूँ, where we do productions. Okay. So उसमें मुझे जब भी gap मिलता है, I go to Islamabad and I spend time with my family. अच्छा, you work from home? Yeah, मतलब I'm in the city. इस्लामाबाद में भी बहुत काम होता है, लाहौर में भी बहुत काम. अमान के लिए इस्लामाबाद की वाइब कैसी उसको लगती है? Oh, he loves इस्लामाबाद now. बिकॉज इस्लामाबाद का एक कॉन्सेप्ट है ना कि अच्छा आप आए हैं 9 बजे, सब कुछ बंद हो गया है, कुछ करने को नहीं है. आई पर्सनली थिंक कि जहाँ पे आपके पास ग्रुप ऑफ फैमिली और फ्रेंड्स हो जाते हैं एंड यू हैव थिंग्स टू डू, तो आप वहाँ पे इंजॉय करने लग जाते हैं. एंड आई मेड हिम गो टू द फॉर हाइकिंग्स, और हम अप नॉर्थ चले जाते हैं जो हमारा प्लस पॉइंट है इस्लामाबाद. सजी, इस्लामाबाद में दो चीजें कभी बंद नहीं होती, एक इस्लामाबाद के नाके और दूसरा उमेर जसवाल का जिम. या
So he gets that too there. अच्छा मरियम, अगर आप कराची जाने से पहले मुझे मिली होती तो मैंने आपको वहाँ पे इतने रेफरेंस देने थे कि आप सोच नहीं सकती। किस चीज के? आपके भी रेफरेंस हैं? इतने वहाँ पे मेरे कोलीग्स हैं शोबिज में काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छू चार्जर, रशीद कैंची, मन्ना पांबड़, अख्तर टेडपाटा, ये सब मेरे दोस्त हैं, इतने अच्छे फ्रेंड हैं मेरे। ये सब मुझे लाहौर के लग रहे हैं वैसे। लाहौर के ही थे, अब कराची में सेट हैं। माजिद, आपने ऐसे नाम बताए जैसे मोबाइल स्नैचर्स हों। कई बजे आएंगे, छोटी सी ब्रेक लेते हैं, माइंड ना कीजिएगा, विल बी राइट बैक। आप देख रहे हैं माइंड ना करना, और आपका बहुत प्रॉमिसिंग करियर है। आई थिंक यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, और बहुत से हीरोज के साथ आप काम भी करना चाहेंगी। सो एक हमारी ननी मुनी सी गेम है जिसके अंदर हम आपको ऑप्शंस देंगे कि हु विल बी योर हीरो। अब वो आपका हीरो जो है, ऑब्वियसली बात है, टैलेंट के ऊपर भी हो सकता है, लुक्स के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको ज़कात के तौर पे किसी के साथ काम करना चाहें, किसके टैलेंट के बेसिस पे उस पर काम करना चाहें। ठीक है जी, जी दिखाएं ज़कात के तौर पे कौन है। ये आपके माय हीरोज हैं। अरे वाह, ओह गॉड, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह, अरे भाई वाह। हाँ, ये बात बनती है। तो एक उस्मान खालिद भट्ट है, और दूसरा कौन है? ताबिश है, ताबिश। दूसरा ज़कात है आपकी, तो ताबिश हुआ। Oh, this is such a tough call. हाँ, एक टैलेंट है और दूसरा नहीं। दोनों बहुत टैलेंटेड है। कौन सा टैलेंट? नहीं, ताबिश को भी कह रही हैं आप टैलेंटेड। हाँ, वो तो इतना तेज बोलते हैं, टैलेंटेड बंदा तेड़ा तेज बोलता ही नहीं। आप देखिए वो सोचता कितना तेज होगा। मैं चाहता हूँ कि ताबिश भाई को होना चाहिए न्यू खान की बस में, ऐसे एक छाबा पे हो तेजी नाल, एक गरमा गरम 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 गरम। तो अब मुझे बताएं कि आप इन दोनों में से किसको? नहीं, दोनों को क्यों नहीं चूज कर सकती? नहीं, ये पाकिस्तानी शो है इसलिए हम लोगों ने नहीं एक एक करके कर लेते। देखें, पहले आपकी परफॉर्मेंस पे डाउट है। मेरी नहीं, मेरे हस्बैंड की। आप एक को रिजेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा देखिए, मैं ओबी के साथ काम कर चुकी हूँ टेक्निकली इन अ ड्रामा, सो आई विल चूज ताबिश। ओबी आपको कट करा दिया, आप फारे हो चुके हैं? नहीं, मैं ओबी के साथ काम कर नहीं, बिल्कुल इन्होंने कहा है कि ओबी को मैं कट करा रही हूं, उसको तीली नहीं लगेगी, इट्स ऑलराइट। ओबी कट हो गए जी, ओबी की जगह कौन आ रहे? हाय हाय, ए जी ओ जी कट है ओबी। ओ हो हो, वाह वाह, तालियां वासे चौधरी भाई। हाँ जी, एक तरफ वासिफ चौधरी, दूसरी तरफ ताबिश। It looks like वासिफ चौधरी is checking someone out. वासिफ चौधरी, वासिफ चौधरी। असल में साई वालों बस दे उते छतरा बन के ले आओ ना, लाहौर तक ओदे इंज दे वाल हो जांदे। जी, किसको अपना हीरो मानती हैं? अभी भी ताबिश रहेगा या वासिफ चौधरी? हाँ, वासिफ भाई थोड़े से बड़े है ना। ओ, तो एज शेमिंग। दो कोड़ा के रख दिया वासे चौधरी को भी, साइड पे करवाए। वासे चौधरी की जगह कौन आ रहे हैं? अरे पॉलिटिक्स के इतना बड़ा नाम है, उनको वही रहना चाहिए, मगर इतने सालों से अदाकारी कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उनका तो अदाकारी का एक्सपीरियंस भी बड़ा। वाकई हमारी इंडस्ट्री में मजीद पोल्यूशन की जगह नहीं है। राणा साहब को इतने बुला लिए ना, तो उन्होंने भला की कहना मतलब है कि बात ये है कि मैं ताबिश से ज्यादा जुगते कर सकता हूँ, बल्कि कहती हूँ तो एक दो तुम्हें भी कर देता हूँ जैसे आटे की चिड़ी बनाई होती है। अच्छा जी, राणा साहब आपने चूज किया ताबिश को, आपने कट करवा दिया? नहीं, मैंने ताबिश को चूज किया, मैंने राणा साहब को कट करा दिया। ये ताबिश ने तीन लोगों को उड़ा दिया भाईजान। जी नेक्स्ट। ओ अब एक तरफ एक गुड लुकिंग टैलेंटेड एक्टर, और दूसरी तरफ वो जो भी है, जलने की बू आ रही है। हाँ, से कह रहा हूँ, बहुत ही साइड पे करो भाई, जलने की बहुत बू आ रही है। तुसी इजी होके काम करो, पीछे बंदा सिगरेट पी रहा है। नहीं नहीं, मैं बताया भाई, एक तरफ एक्टर, दूसरी तरफ होस्ट। या आई वुड स्टिल से ताबिश। उफ तौबा सफर, भाईजान अपनी आंखों का इलाज कराओ।
आंखों से कोई लेना देना अच्छा, नहीं अपने है, टैलेंट पे चूज करना था ना. स्टिल ताबिश या वुड बी योर हीरो, बिकॉज़ आई पर्सनली थिंक दैट हमारी केमिस्ट्री ऑन टीवी इज गोइंग टू बी फिनोमिनल. हम अगर ड्रामे की बात हो, आई हैवंट मेट बिलाल, आई डोंट नो, बट एज एन एक्ट्रेस यू डोंट वांट टू वर्क विद हिम. आई वुड वांट टू वर्क विद हिम. यू आस्क्ड मी टू चूज वन. हां तो चूज करो ना. तो कर लिया ना. ख्वातीन हजरात, बिलाल को फारिग करवा दिया गया. ताबिश का एक और वार कामयाब. ये बात इट्स ओके बट जी आप नसीम चूज कर रही है ताबिश के ऊपर, then me and you are going to have a war. Yeah, I just said ki, yeah, I would like to work with him. Work with him. To Tabish ko replace kar de? Nahi. Yaar ye kya kar rahi ho? Kya cha kya rahi ho? Main to kuch nahi bola. Naseem ya Tabish? Tabish. Bhai jaan, bhai jaan, bhai jaan. Ek gal kise aur paase tor payi. Ye waqai hi aur Tabish ne Naseem. Yaar wo bahut chhota sa cutie kid hai abhi. Deo ki malang baba hai gaya. To bhai jaan Naseem Shah fare ho gaya. I'll take him. नसीम शाह को फारिग करवा दिया. वेरी गुड. देखिए जिंदगी में वैरायटी होनी चाहिए. वैरायटी होनी चाहिए जिंदगी. मुझे नहीं चाहिए. बिल्कुल वैरायटी नहीं चाहिए. व्हाट व्हाट आई एम गुड वैरायटी. पहले उसकी हवेली लाल सी, हुण देखो रुमाल लाल होया पया जी. शेख साहब एक्टिंग का एक्सपीरियंस भी है, पॉलिटिक्स का भी एक्सपीरियंस है, सिगार पीते हैं, पर्सनालिटी इतनी ग्रैंडियर है. मेरे तो, अबू जितने हैं. हाँ तो ठीक है. तो अबू का अगर रोल आ गया तो अबू के रोल में नहीं, तो अबू के रोल में आई डोंट माइंड. यू सेड हीरो किसको लेना है. नसीम शाह आपने हीरो हटा दिया. बिलाल छोटा है ना. अच्छा अच्छा चले वो हील पहन के आ जाएगा, बड़ा लगेगा. लंबा है लेकिन एज में बहुत छोटा है. और अभी उसका उर्दू डायलेक्ट भी डेवलप हो रहा है. बिल्कुल नहीं, जिसको पंजाबी नहीं आती उसका क्या करना. तो खैर है, मुझे भी सिंधी नहीं आती. आप उस वक्त से छोटा छोटा कह रही हैं, मुझे बताएं किस एज ब्रैकेट का हीरो होना चाहिए. ये ओबी ताबिश के एज ब्रैकेट वाले. ओबी ताबिश, ओबी बिटवीन 33 to 36 तो वासे भी 30 वाला बॉय था. नहीं okay. क्या हो गया. हाँ वासे 40 का हो चुका. 30 के हैं वासे, 30 ईयर पहले. हाउ ओल्ड इज नसीम एनीवे. ये तो आपको पता होना चाहिए. अर्ली 20s. ओह गॉड, दैट इज प्रीटी यंग. हाँ तो खैर है, प्रीटी यंग है, फिर भी कबूल है, कोई ऐसा नहीं. जी आगे चलते हैं. शेख साहब फारिग हो गए. शेख साहब भी गए. ओ अगेन डजंट फॉल इन द 33 36. अगर खलील साहब की कोई स्क्रिप्ट है हाँ, जिसके अंदर मुझे खलील साहब की स्क्रिप्ट नहीं करनी. चले जी, अगर किसी और राइटर की स्क्रिप्ट है जिसके अंदर हीरो बड़ा है और हीरोइन जो है वो छोटी है, काबली पुलाव देखा तब भी आप नहीं कहेंगी. नहीं तब मैं कहाँ कहूंगी. तो अब यहाँ क्या कह रही हैं आप. खलील को आपने ना कह दिया. हुमायूं सईद. हुमायूं सईद सिलेक्ट. पक्का. गोइंग वंस, गोइंग ट्वाइस. ऑक्शन कर रहे हैं उनकी. सोल्ड. वाह जी वाह. अच्छा जी हुमायूं हमने लॉक किया, लेकिन खलील साहब का ड्रामा क्यों नहीं आप करेंगे. बस छोड़ दे. क्यों बस... नहीं ऐसे नहीं. राइटिंग से इख्तलाफ है या खलील साहब से इख्तलाफ है. राइटिंग से इख्तलाफ नहीं है, उनकी कुछ स्टेटमेंट से इख्तलाफ. तो मतलब बंदे से इख्तलाफ हुआ ना. बंदे से नहीं, उनकी कुछ स्टेटमेंट से. आई डोंट थिंक ही इज अ बैड पर्सन. आई डोंट थिंक एनीबॉडी इज अ बैड पर्सन. बट उनके कुछ व्यूज they don't align with. She's anti-feminism, that's why. Yeah. मगर अगर खलील साहब का प्ले आएगा तो आप वो तो करेंगी फिर. पता नहीं, मुझे नहीं पता. अच्छा जी हुमायूं सईद लॉक. ताबिश फारिग. ओ ओ जंग छिड़ गई ना. एक आया बॉय आपकी उसी एज ब्रैकेट में. हाँ वहाँ. परफेक्ट. 30s में आया. ऊपर से हुमायूं सईद का एक्सपीरियंस एंड द स्टैचर. वो दूसरी तरफ नया गुड लुकिंग बॉय जिसने आजकल कह रहे धूमे मचाई हुई है. आप बता दें वहाज या वहाज रियाज. नो दिस इज आल्सो अ वेरी टफ. इट इज, इट इज. भाई आप बताएं हुमायूं या वहाज. बार कटा ननु ताड़ा कुछ नहीं जाना पुत्र. हुमायूं भाई पूछन के ओन बाट साहब नु. जी डू आई रियली हैव टू चूज. नहीं हम ड्यूल हीरो के साथ अब आपको कास्ट कर लेंगे, यही हो सकता है. ठीक है ऐसे कर ले. इसके बाद एक और तस्वीर है असल में.
एक और तस्वीर है तो इनमें से एक को मिस करना पड़ेगा, एक को तो करना पड़ेगा। चले आई विल चूज वहाज। वहाज खातिन आजाद हुमायूं भाई को खुदा हाफिज़ कहते हैं। वहाज सेलेक्ट हो गए और अगला आ रहा है हुमायूं भाई। जवानी फिर नहीं आनी भाई यार, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं। द किंग ऑफ रोमांस फवाद खान और दूसरी तरफ वहाज, इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चूज करती हैं अहमद अली भट्ट। वेरी नाइस जी फवाद। फवाद अफजल खान लॉक किया और आपका अगला हीरो इज फवाद अफजल खान। सम ऑफ द चॉइसेस वर वेरी टफ। मैंने तो आपको कहा था, आप क्या समझी थी ये ताबिश का शोर है। एनीवे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी हाजिर होंगे आप, माइंड ना कीजिएगा। विल बी राइट बैक। ये बात खवातीन आजाद, आप देख रहे हैं माइंड ना करना और आपके हीरो इज तेनु जूत पुआवा आ, तेनु मौत पुआवा आ, तेनु फौत करावा आ, आ तुर फिट मु आ। भाई किधर आए हो, पहचाना नहीं? नहीं तू कर ला, जोरदार क्लैप करेगा मेरे लिए। अच्छा जी, मेरे अलावा कभी किसी ने ये सोचा है कि इंसानी अजा के नाम किसने रखे? अच्छा जी, अगर मींस के आंखों की जगह पे लिखे होता, यानी जुओं की छोटी बहन लिखा, यस, तो शायरी और गाने कैसे बनने थे भला? कैसे? लिखो की गुस्ताखियां जिंदगी में नाचने वाला कुंग फू पांडा पहली बार देखा है। अच्छा ये तो आपने की मुसलसल बकवास। हाँ जी, यहाँ पे दूसरा गाना होता, ये काली काली लिखे ये बुरे बुरे बाल। अभी यूं करें क्या? नहीं भाई जान, मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ आपका नाम क्या है। माय नेम इज साजिश। साजिश, ओ मैं समझ गया, ताबिश की ये एक डम्मी सी कॉपी लग रही है। एक्चुअली मुझे VXFFX के जरिए कैमरों के आगे शो में पेश किया जाता है। अच्छा है, मैं ऐसे ही हूँ। अच्छा, आप कहीं से ताबिश नहीं लग रहे, आपको पता है ना? कहीं से नहीं लग रहा, कहीं से भी नहीं लग रहा। यहाँ से नहीं, यहाँ से। हेलो, टक्कर मार के माझे सुटन वाले आ। ओ खुदा दा खौफ करो, बिजली दे खंबे नाल कान चो मैल कढ़न वाले आ। ओ वड्डे ट्रैक्टर दे टायर नु दंदी वड्डन वाले आ। ओ तू किसे पासो ताबिश लग रहा है यार, आपने जुगते की। साजिश? यस। आप किस साजिश से आए यहाँ पे? साजिश से नहीं आया मैं, एक्चुअली मरियम से रॉयल्टी लेने आया हूँ। रॉयल्टी लेने आए? किस चीज की रॉयल्टी? मरियम एक्चुअली मेरे शो में आती थी। मरियम बोलो ना। आप इनको जानती हैं कौन है भाई? उनका ना लेना ना देना, आप क्यों इतने फ्री हो रहे? तुम हो कौन भाई? अरे हुजा बंदा ना सुता पे कहीं जा रहा था, मोटर बंद करो। मरियम मुझे भूल गई हो तुम? याद करो तुम मेरे शो में आती थी जब क्लिप बनाती थी तो कितना वायरल होता था। ये क्या ऐसे अंदर डक्का है ना, अचानक खोल जाता। साजिश, शुड आई कॉल एन एम्बुलेंस फॉर यू? की कही जाती पता नहीं, मैनू इतना पता होता तो मैं कोल ही बैठा हूं। वो कह रही है आपके लिए एम्बुलेंस, मैं अगर आपको जरूरत है तो एम्बुलेंस बुला दो। नहीं, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं। मैंने इन्हें हिट करवाया, दोबारा इन्हें आना चाहिए मेरे शो में। अच्छा, आपके शो का नाम क्या? रोना मना है। हंसने नहीं, हंसे। और सुते पे प्यो दे उत्ते पैर रख के बाथरूम जाने लिया। तेनू नहीं पछाण रहे सी, तू केड़ा साजिश आ गया थे? दरबार ते एक माई कहंदी या बाबा मैं तेरी देख देनी, ये कहंदा तू लई क्यों सी। बस दिल पे नहीं लगा रहा। मरियम करो ना मेरे साथ वादा, तुम मेरे शो में आओगी? अच्छा, आप प्रॉमिस करें आप इनके शो में जाएंगे जी, ताकि यहाँ से जाएं। आपके शो का नाम है रोना मना है? रोना मना है। मैं सिर्फ दो ही शोज में जाती हूँ जिसका नाम है हंसना मना है और हारना मना है। ओ ओ की बो।
मरियम नहीं आओगी मेरे शो में? आपको हम अपने शो में बुला लेंगे। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? मेरी माँ, मेरी माँ, क्या इतना? निकल तो मेहरबानी तेरी। और एहो जिहा ख्वाजा सर ना सिर्फ मैट्रिक पास करके कर रहा है, भला होवे। But Jay, can we please get a tip of Harim Asad of here? Oh, body shaming or extreme? वो भी पढ़े लिखे थे भाई, उन्होंने आपको हिप्पोपोटामस कहा। वो क्या होते? तुम्हारा ग्रैंडफादर जी, यानी तुम्हारे पापा। नहीं, मेरी जुगत गंदा तो मैं हो गया। मरियम, तुम ना भूलना मेरे शो में आने के लिए। ओके। अच्छा मरियम, प्लीज आप इनको कमिट कर दें कि हाँ मैं रोना मना मैं आऊंगी। अगर मैं नहीं आई तो हम आपको अपने शो में बुला लेंगे। हाँ। झूठ बोलिए। अच्छा, एनु ऐसी आदत है, हर जगह करता है। एनु को पूछे ना अब्बा केड़ा, ये में इशारा कर देगा। आप जाओ, हम मना लेंगे जी? हम मना लेंगे उनको, आप जाओ। माशाल्लाह, दोनों एक ऊपर के पैंट कोट पहन पर आओ। नहीं नहीं जी। ओके, ओ उकड़ फुकड़ बंबा बो, चलो साज लमे बो। ये कहीं से भी ताबिश नहीं लग रहे थे, मगर ऑब्वियस बात है, ताबिश आई लव यू, यू नो दैट। नाइस कवर अप। देखिए, ताबिश की डमी हम लोगों को इसलिए कहीं नहीं मिली, हम लोगों ने ऐसी डमी ढूंढी, मगर ताबिश नोस दैट आई लव हिम, एंड वो नायाब है और एलियन है, वो वाकई ही बाहर से आया हुआ है और उस जैसा कोई भी नहीं है। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, अगली गेम की तरफ चलते हैं जिसका मतलब है गेस द सॉन्ग। ओके ओके, जिसके अंदर हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे और आपने गेस करना है ये सॉन्ग क्या है। आप लोग मेरी हेल्प करें। yes, okay. करेंगे, हेल्प करेंगे। और अगर आपको बहुत बड़ी लाइफलाइन चाहिए तो शायद हम उसकी मेलोडी भी प्ले कर दें। ठीक है, शायद। ठीक है, ओके रेडी? हमारी ऑडियंस भी हेल्प करेगी अगर आप पूछेंगे। ओके एंड क्यों? ओ हो हो, यानी दूध वाले बर्तन, हाजी साहब मोटरसाइकिल। एक मोटरसाइकिल पे दूध वाला है जो जा रहा है और दूसरी तरफ एक राह। अच्छा, रास्ता है ये? रास्ता है, रास्ता है। पंजाबी या इंग्लिश? ये मेरा ख्याल है पंजाबी है। चले जी, पंजाबी, पंजाबी है। अच्छा, मैं समझ रहा हूँ। ये तो आप ही लोग बता सकते हैं। क्यों? मुझे इतने ज़्यादा। अच्छा एक मिनट, नॉर्मली जो लोग दूध बेचते हैं उनको क्या कहते हैं? गुज्जर, मिल्कमैन। गुज्जर बरादरी। हाँ, गुज्जर बरादरी भी कहते हैं। मिल्कमैन, वेरी गुड। ओह, आई गॉट इट। जी बताएं, आप इनको बता सकती हैं? आप गाएं, गाएं। ओ गुजरावे, राइट? क्या गा ये? भाई गुजरावे, ये है ना? वेरी लेम। भाई ये मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि मेरीन ये पूछ लेगी। जो 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 पंजाबी जिसको समझ भी नहीं आती उसने वे गुजरावे, वाह वाह वाह। मेरीन के लिए तालियां। अच्छा जी, अगली तस्वीर की तरफ जाते हैं। आंखें देखी। बाबा खामोश खामोश, ये तो नहीं मैं बताऊंगा। आंखें देखी। ओए होए होए, ये तो बहुत कमाल का गाना है। उर्दू है जी? उर्दू गाना है। आंखें वो देख रहे, आंखें देखी, आंखें दिल, वो दिल। ओह, दिल मतलब दिल है मतलब कोई। अच्छा नहीं, ये तो फिर पता नहीं अब हो या ना हो, आंखें भी हैं, चोर भी है और दिल भी है। शीली आंखें, मेरी आंखों ने चोरी किया मेरा दिल, मेरी आंखों ने चोरी किया मेरा दिल, ये कौन सा गाना है? तेरी आंखों ने चोरी किया मेरा दिल, तेरी आंखों। I don't know, मुझे नहीं पता, I'm just guessing. अच्छा एक मिनट, बहुत मशहूर गाना है, दिल चोरी साडा हो गया, बड़ा आइकॉनिक पॉप सॉन्ग हमारा जी, नहीं पिंड वाले। अच्छा देखे, आंखें मिलती हैं तो दिल चोरी होता है, ऐसा ही है ना? तो ये कौन सा गाना है? आंखें, अब बस आंखें क्या करती हैं? आंखें मिलाने, आंखें मिलाने वाले, दिल को चुराने वाले। वेरी गुड। क्या आंखें मिलाने? ये बहुत लेम किस्म के ग्राफिक्स हो रहे हैं, पता है? जाहिरी बात है, और क्या, हम आपको पूरी तशरीह करके दें। क्योंकि इसमें होना चाहिए था आंखें और कोई मिल रहा है, फिर दिल को, फिर चोर आना चाहिए था। आपने बूझ लिया है ना?
मतलब बड़ी मुश्किल से। तो भाई वो यही है। वो जैसे आप कह रहे वैसे तो सीधा सीधा पता चल जाएगा गैस। So that's the point, no? नहीं नहीं थोड़ा थोड़ा उसको घुमाना। अच्छा भाई अगला ना लिख के दे देना ये गाना कौन सा है, हैं सोने दी नथरी असली के नकली। अगला आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा। आजा मेरी गाड़ी पे बैठ जा। गाड़ी कहाँ लग रही है आपको? I don't know, cycle, bicycle. हाँ वैसे एक एक दो जुमले आपने मतलब ठीक है। गाड़ी में बैठ जा। आजा आपने सही कहा। पंजाबी गाना है। आजा मेरी साइकिल पे बैठ जा। नहीं ये कोई गाना नहीं है। वाह वाह शाबाश। आजा तुझे सैर कराऊं। आजा तुझे सैर कराऊं। साइकिल पे। वाह वाह। Oh I got it। जी। आजा नी बैठ जा साइकिल पे। आजा नी बैठ जा साइकिल पे। नाइस। वाह 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 भाईजान इससे क्यूट नजारा कैसा हो सकता है। एक बार फिर से करना। 1 2 3 गो। आजा निवेजा साइकिल पे। आजा निवेजा साइकिल पे। नाइस। मेरे बारे कह रहे होंगे ना माँ पियो इतना पढ़ाया लिखाया बच्ची मस्त निकल आई अब क्या। अगला लास्ट है ये सडन डेथ। आप दोनों में से जो पूछ लेगा। ओए ओके पावर पफ गर्ल। ओए 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 ये तो बहुत ही अच्छा गाना है। मुझे तो बताया था कि मैं हिंदू हूं। उर्दू है कि अच्छा खुद भी नहीं पता। नहीं मुझे नहीं पता ना मुझे नहीं पता। ये तो बड़े मजे का गाना है। आई एम थिंकिंग बड़ा हिट। अच्छा एक मिनट ठहरे चले। अच्छा जी ये पंजाबी गाना है। आई थिंक समथिंग टू डू विद द मौसम। अच्छा भैया आप देखिए इस पूरे एंबियंस में क्या हो रहा है। एंजॉयमेंट हो रही है। Yeah. जोश का गाना तो नहीं है। आई मौसम। आई मौसम नहीं 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 वायरल है इन दिनों में काफी। हिंट आपको दूं। चले 1 2 3 गो। बस नहीं आया। आप बताओ कौन सा। उसको भी नहीं पता। सब बोल रहे हैं भाई। एक मिनट पंजाबी है बड़ा हिट गाना हुआ है स्टेडियम में हर रोज चलता था। स्टेडियम में हर रोज चलता था। अभी ये परफॉर्म भी किया है। खामोश खामोश अभी परफॉर्म भी हुआ है हमारे शो में ही हुआ है। स्टेडियम में गाना हर रोज चलता है ये। टिकटॉक पे ए से स्टार्ट होता है। आरिफ लोहार का है। मौज करावा आ तेनु मौज करावा। गाने का नाम है मौज करावा। आजा मौज पे क्या आते हैं मौज करा। आजा ओ अच्छा ये ऑडियंस ने बोला लेकिन कैन यू एक्सप्लेन हाउ भाई आ तेनु मौज करावा। नहीं नहीं वो पहले सबसे बाइक पे आ तेनु सैर करावा। बहुत गंदे ग्राफिक्स हुए हैं। जस्ट लेट मी जस्ट से दैट। क्यों कैसे वो बाइक पे कह रहा आ तेनु सैर करावा आ तेनु मौज करावा आ। अच्छा मजे की बात है 4-5 हिंट्स उन्होंने देने के बाद भी आपको नहीं आया। नहीं आया। हां तो वो बिकॉज़ आई वाज ट्राइंग कि वो जो बोल रहे हैं मैं उससे उसको मैच करूं वो हो ही नहीं रहा मैच। ओह आई एग्री विद हर। ये देखें आप समझें ये बच्चा ऐसे बाजू खोल के नहीं आप छोड़ दें वो नहीं मैच हो रहा। लेट्स जस्ट एग्री टू दैट। नहीं आप भाईजान इन दोनों को पॉइंट्स नहीं मिले ये ड्रॉ हो गया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद हम फाइनल गेम की तरफ बढ़ रहे हैं। कहीं मत जाइएगा आप देख रहे हैं माइंड ना करना। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात आप देख रहे हैं माइंड ना करना और हमारे साथ मरियम मौजूद हैं जो कि एक गेम हार चुकी है। क्या ये अगली गेम टाई हो चुका है। हारी नहीं हूं मैं कह सकते हैं। लड़कियों को हराने में आदमियों को कितनी खुशी मिलती है। ऐसे आदमी ऐसे ही होते हैं। अच्छा जी हम सेगमेंट शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है आई डोंट माइंड। जिस चीज से आप एग्री करेंगे उस पर आप कप रखेंगी आई डोंट माइंड और जिससे आप एग्री नहीं करती उस पर आप अपना कप रखेंगी आई माइंड। तो हम अपना सेगमेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक दफा होती है। आई माइंड सर क्या बात है। यानी दोनों के दोनों बीच में से गद्दार निकले। ठीक है बात को बढ़ाते आगे। हमने ये नहीं कहा एक वक्त में बहुत सारी हो सकती हैं। आप बताइए कि जिंदगी में मोहब्बत एक दफा क्यों नहीं होनी चाहिए दूसरी तीसरी चौथी दफा क्यों। बिकॉज आई थिंक हर एज की मोहब्बत डिफरेंट होती है। आप जब व्हेन यू आर अ चाइल्ड आपको डिफरेंट इन्फैटुएशंस होती हैं। पप्पी लव। व्हेन यू आर अ टीनएजर आपकी डिफरेंट क्रशेस होते हैं। आपको लगता है ओ यही मोहब्बत है मैं मर जाऊंगा। और यू नो ऐसे जैसे ग्रेजुअली यू ग्रो अप आपको रियलाइज होता है कि ओ ये हर एज की एक डिफरेंट काइंड ऑफ मोहब्बत होती है। जो आपको उस वक्त लगता है ओ ये मेरी पहली मोहब्बत है और यही मोहब्बत है ऐसा नहीं होता। ओके बट जी आप बताइए। मैं नहीं बता सकता मेरी बीवी ये शो देखती है।
ओके मैं एग्री करता हूँ, हर स्टेज पे इंसान की मोहब्बत बदलती है, चाहे वो आप अपने वालदैन से करें, आप अपनी बीवी से करें, अपने बच्चों से करें, आपकी तरह हमसाई से करें। आखिरी स्टेज पे या आगे बदलेगी मोहब्बत? नहीं नहीं, जैसे आप फोन नंबर देंगी बदल जाएगी। आप नहीं देख रही बीवी? देख रही है। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। मरियम जरा गौर से सुनिए, ताबिश को नहा कर शो करना चाहिए। I don't mind, हाँ नहा के कर ले। Mind है ये, don't mind? हाँ, मतलब सबको नहा के शो करना चाहिए। सबको नहा के शो करना चाहिए, इनका कहने का मतलब है सब एंकर्स अंदर से गंदे हैं, ठीक है कोई बात नहीं। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। मोहब्बत में ड्यूल नेशनल होना जरूरी है। It has nothing to do with मोहब्बत। Ah, it has everything to do with मोहब्बत। I don't mind. I don't mind. आप क्या कहती हैं? हाँ। तो very good, रखें। माइंड करती है कि ड्यूल नेशनलिटी नहीं होनी चाहिए, तो उनको क्या अपना पासपोर्ट गिव अप करें? आई डोंट माइंड। वो क्यों गिव अप करें? उसको ट्रैवलिंग करने का शौक है। इधर रखें फिर। आई डोंट माइंड। एक मिनट, मैं वही कह रही हूँ, आई हैव नो ओपिनियन ओवर दिस। ठीक है, इफ यू हैव अ पासपोर्ट और यू डोंट हैव अ पासपोर्ट, दैट हैज नथिंग टू डू विद। आज के जमाने में आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए, और हम जिस मुल्क में रहते हैं और उसके जो वीजा रिस्ट्रिक्शन है, आई फील लाइक आप अपने बच्चे को द बिगेस्ट गिफ्ट यू कैन गिव इज द पासपोर्ट। क्या बात। मेरे हस्बैंड को बहुत ट्रैवल करने का शौक है, वो बेचारा तो वीजा लगवा के ख्वार हो जाएगा। सो आई डोंट थिंक ही शुड गिव अप हिज पासपोर्ट। ओके जी, आपने कह दिया। जी मैंने कह दिया, मैं तो एग्री करता हूँ। आप एग्री करते हैं? ड्यूल नेशनल होना चाहिए तो मोहब्बत और अच्छी होती है। नहीं, इससे मोहब्बत का कोई लेना देना नहीं। भाई मेरी समझ में। अच्छा एक मिनट, मेरी बीवी ब्रिटिश है इसलिए मोहब्बत और अच्छी है। मेरा भी अभी ब्रिटिश है, लेकिन उससे कोई लेना देना नहीं। ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओ, सुपरस्टार हमजा अब्बासी को सियासत में आना चाहिए। I don't mind. पहले आपसे, आप क्यों कहते हैं कि आपको कोई? देखें भाई के अंदर वो सारे के सारे जज्बाती सियासी कीड़े हैं। नहीं, आई थिंक हमजा इज अ वेरी हेड स्ट्रॉन्ग पर्सन। उनके कॉन्सेप्ट बड़े क्लियर हैं, स्पिरिचुअल भी अपने आप को बड़ा उन्होंने अलाइन किया है, और अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाएंगे तो कोई इसमें बुरी बात नहीं। वी नीड यंग पीपल। आई पर्सनली डोंट थिंक स्पिरिचुअलिटी हैज एनीथिंग टू डू विद पॉलिटिक्स। नहीं, बल्कि अगर हो तो एक एडवांटेज तो है ना। क्यों भाई? देखिए मैं कह रहा हूँ कि एक एडेड एडवांटेज है कि इफ यू आर स्पिरिचुअली आल्सो एनलाइटन्ड और आप एजुकेटेड हैं एंड यू आर यंग एंड यू आर एम्बिशियस, तो आई थिंक वी नीड यंग यूथ oriented people in politics jinki vision clear hai. Also if you're spiritually awakened you are less likely to be बिल्कुल ठीक है, आप दोनों के पॉइंट्स मेरे तक पहुंच गए। ओके, अगले पॉइंट पे चलते हैं। कप चुको अपने अपने। शुएब मलिक को, हाय हाय, शुएब मलिक का नाम आते ही मैं जरा खुश हो जाता हूँ। कितना, तीन चार कर बैठा है ना। अच्छा जी, शुएब मलिक की तरह हर मर्द को 3 शादियां करनी चाहिए। जी आई माइंड। एक मिनट वेट, एक वक्त में या बारी बारी? अपनी पहुंच और जेब देखनी। नहीं, जेब बेहतर है। टू डिफरेंट थिंग्स ना। अगर बारी बारी कर रहे हैं तो आई डोंट माइंड, अगर एक साथ कर रहे हैं तो मुझे थोड़े से। चले एक साथ आप कह दें। एक साथ। हाँ एक साथ। आई माइंड। आपने कहा डोंट माइंड। आप क्यों माइंड करेंगे? एक मिनट, हमारे मजहब में इसकी इजाजत है। हमारे मजहब में इसकी इजाजत। एक मिनट जी, आइए बताओ। मजहब में आगे ये भी लिखा हुआ है कि अगर तुम कर सको तो, और तुम नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ऐसा है, इंसाफ की बात हो रही है। मगर हाँ, इंसाफ की बात हो रही है, और ये भी कहा गया है कि अगर आप 4 बीवियों को खुश रख सकते हैं और आप 4 घर क्योंकि नहीं रख पाओगे। क्यों नहीं रख पाओगे? कुरान ने बोल दिया ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। किसने कहा ह्यूमनली पॉसिबल? मैं आपको एक बात बताती हूं। नहीं होता, वाकई ठीक कह रहे हैं। बोलते हैं बंदा, तुझे देखा नहीं एक बीवी कह रही आ गया उस मां को सोयरदा उठे बढ़िया, दूसरी कह रही होती है तेनू ओदे हाथ दी रोटियां बड़ी है। नहीं, आपके दीन में इजाजत है, आई रिस्पेक्ट दैट। हमारे दीन में इजाजत है, आई रिस्पेक्ट दैट, बट आई पर्सनली फील बीइंग अ वुमन दैट नो वुमन और वेरी फ्यू वुमन वुड बी ओके
कि आप अपने शोहर को शेयर करें इस तरीके से willingly. I wouldn't. No. Willingly तो कभी नहीं. तो आप नहीं करने देंगे, आप गोली मार देंगे. सवाल ही नहीं पैदा होता. नहीं, मैं कहूंगी कर लो, मुझे छोड़ो. ओह, मैं समझ गया. और आपने कहा है कि कर सकते हैं. भाई मेरा ख्याल है कर सकते. नहीं, कर सकते तो है. पॉइंट इज के हम हमारा एक वक्त में नहीं. आप ये कह रही है ठीक है, बारी बारी जितनी करनी कर लो. अच्छा बारी बारी. ओके ओके, ये भी मतलब आप कह रही हैं कि भाई शादी करो छोड़ो, शादी करो छोड़ो, शादी करो छोड़ो. If it didn't work out, then yes, why not? I'm not of the opinion कि अगर आप एक unhappy marriage में हैं, then why do you want to be in that toxic environment अपने बच्चों को या बच्चे को. अगर वो एक बीवी को खुश रख रहा है, दूसरी को भी खुश रख रहा है, तीसरी को भी खुश. पॉसिबल ही नहीं है ये. अच्छा नहीं हो सकता, वाकई सही कह रही. तो आपका सवाल क्या था? मेरा सवाल ये था कि एक बंदा तीन शादियां कर सकता है, यानी मेरा सवाल उठा कर आता है जी. मेरा सवाल ये था कि शोएब मलक की तरह हर मर्द को चाहिए कि तीन शादियां करे. लेकिन शोएब की एक वक्त में नहीं थी. हाँ. So that अगर आप शोएब की तरह पूछ रहे हैं कि एक के बाद एक कर लो तो I don't mind. You have your own choice. बिल्कुल ठीक है. But एक वक्त में I feel like के या कोई सीन नहीं. मैं समझ सकता हूँ आपकी फीलिंग. आप बताएं. मैंने तो बता दिया कि भाई कर सकता है. उनको किसी तरीके से कोई मसला नहीं. कोई मसला भाई जान. देखिए इससे बेहतर और क्या बात होगी कि आप चार घर आबाद कर रहे हैं, आप चार फैमिलीज को सपोर्ट करें और आप चार खवातीन के अपने उनके हकूक पूरे कर रहे हैं. अगर ये चीजें आप कर सकते हैं तो वाइन. आई फील लाइक हार्ट ओवर ऑल दोस. देखिए हमारे रिलीजन में इसकी किसी वजह से और रिलीजन में आगे लिखा हुआ है और तुम नहीं कर पाओगे, मगर ये भी लिखा हुआ है कि तुम कर सकते हो. कर सकते हो लेकिन तुम नहीं कर पाओगे. नहीं, मैं बट जी की और आपकी बात को समझ गया हूँ. बट जी ये कहना चाहते हैं कि आप चार शादियां कर सकते हैं ताकि आप चार फैमिलियों को पालें और अगर तो अनुसाट लग जाए तो चार बीवियां तो आड़ी केयर करें. ओके अगले पॉइंट पे चलते हैं. जी कुछ कहना चाहती हैं आप? नहीं ठीक है. पढ़ी लिखी मस्त तो नहीं है, दस दे कुछ. ओके अगले पॉइंट पे चलते हैं कि इस्लामाबाद के अदाकार ज्यादा अच्छे होते. अदाकार तो सारे अच्छे होते हैं. अदाकार आप क्या कहती हैं? I also mind. अदाकार तो इस्लामाबाद है. यानी इस्लामाबाद के अच्छे होते हैं इस पे आपको माइंड है क्या? आप माइंड कर रही हैं? नहीं मैं ये कह रही हूँ कि इस्लामाबाद के साथ साथ और जगहों के भी अच्छे होते हैं. अच्छा तो फिर आपकी फीलिंग ये है कि आई माइंड. आपने माइंड किया कि सिर्फ इस्लामाबाद के लिए ठीक है और आपने माइंड क्यों? मैंने माइंड किया जी. इस्लामाबाद के वैसे भी अदाकार बड़े कम आते हैं और जो भी आते हैं उनमें सादे बर्गर होते हैं बेचारे. जी नहीं बट एक मिनट. एक्सक्यूज मी बर्गर. इस्लामाबाद वाले लोग, इस्लामाबाद के क्रिएटिव्स बहुत क्रिएटिव होते हैं. यू विल हैव टू गिव देम दैट. ऑलराइट आप पिंडी बॉयज के साथ होते हैं इसलिए. ओके थैंक यू वेरी मच. नहीं तो आप ये कह रहे हैं कि इस्लामाबाद के लोग कुछ नहीं होते, आपके कहने का ये मतलब? मेरे कहने का ये मतलब नहीं. मेरे बर्गर खाते हैं और उनको पता नहीं होता है आर्ट का. देखिए मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि आर्टिस्ट जो है वो इस्लामाबाद के ऊपर कोई थप्पा नहीं लगा हुआ. हां आर्टिस्ट शुडंट बी डिफाइंड कि ये यहां का है. और के बड़े अच्छे हैं, पेशावर से बड़े अच्छे आते हैं, मुल्तान से बड़े अच्छे हैं, कराची से बड़े. कराची कराची का कोई अपने नहीं, सारे वहीं से आए हुए. हां बाकी कराची सिर्फ आ जाके काम करते हैं. लोग कहते भी हैं कि आर्टिस्ट का कोई मसलक नहीं होता, आर्टिस्ट की कोई बाउंड्री नहीं होती, फनकार के पास वापसी का किराया नहीं होता. ये सुनते हम बातें जैसे कि आप जंगल से आए हैं. भाई अच्छा देखो जी कुड़ी ना बंदा गड्डी का शीशा खड़का के कहना बाजी तेरी कमीज बाहर रह गई जी. नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. इस्लामाबाद के बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं. इस्लामाबाद के बर्गर्स बहुत अच्छे होते हैं. आई डोंट माइंड. पहले आपसे शुरू करते हैं. नहीं एक्चुअली आपको इस्लामाबाद के बर्गर इतने पसंद क्यों हैं? देखिए इस्लामाबाद के बर्गर्स जो हैं वो एक दो तो गौरमे है और इस्लामाबाद के बर्गर्स आपको सड़कों पे भी नजर आते हैं. एंड द बर्गर्स मेक द बेस्ट बर्गर्स. यस और F7 में बड़े नजर आते हैं बर्गर्स. ओके गुड. और आप? इट्स अ फैक्ट. आपको एक्चुअली इस्लामाबाद में बहुत अच्छे बर्गर्स मिलते हैं कंपेयर्ड टू कराची. बट आई फील लाइक इस टाइम लाहौर ने भी अपनी गेम बहुत चुकी. सर लाहौर ने बाकी बर्गर्स के अंदर गेम चुकी. कराची के बर्गर्स डाउन हो चुके. या बहुत डाउन हो गया. आपको ये लगता है कि लाहौर वालों ने जो गेम चुकी हुई है इन्होंने इस्लामाबाद के बर्गर को कॉपी किया? नहीं अपना खुद नई क्रिएशन की है. मतलब बर्गर में आप कितना ही क्या ही कर लेंगे. काफी चीजें पहले थे आप देखे ना तवे पे रख के आधा घंटा इंजन घुमाओ. नहीं सी एट द एंड ऑफ द डे इट्स अ बर्गर राइट. यस. सो अगर दो शहर के लोग बहुत अच्छे बर्गर्स बना रहे हैं तो एक को टॉप अप क्यों करना है? हमारे बड़े अच्छे होते हैं अंडे वाले जो डबल शामी. नहीं इस दफा हकीकतन लाहौर की गेम बहुत फिट है बर्गर. सर थैंक यू. वाकई ओके थैंक यू. नेक्स्ट और आखिरी लास्ट पॉइंट है. आप सोच समझ के जवाब दीजिए कि समंदर पे लंच करना चाहिए मगर वीडियो नहीं बनानी चाहिए. सॉरी व्हाट डज दैट मीन? आपने लास्ट हफ्ते इंस्टाग्राम नहीं देखा? क्या है उसमें? कुछ नहीं जी. फिर से जरा बताएं.
समंदर पे बैठ के लंच करना चाहिए लेकिन उसकी वीडियो नहीं बनानी चाहिए और अगर बना लें तो इंस्टा पे नहीं डालनी चाहिए। कौन सी वीडियो है ये? वीडियो तो दिखाए पहले ताकि मैं उसे साथ यार एक पता नहीं एक लड़की है वो काफी क्रिटिसाइज हुई थी उसने कई वो बहामास बर्म्यूडास गई हुई थी उसने अपने बहुत ज्यादा लोग हैं जो अच्छी बातें भी कर रहे होते हैं ऐसा ही? वो चंद नेगेटिव लोगों को मैं नजरअंदाज करना पसंद करती हूँ। बहुत अच्छा है आप बिल्कुल सही कह रही हैं और वाकई ही उनकी पर्सनल लाइफ है वो जो मर्जी करें तानू की है जी तानू की मसला है कोई। खातिन आजाद इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है लेकिन जाने से पहले हम मरियम से एक बात जरूर पूछेंगे कि वो आजकल क्या माइंड कर रही हैं। हमें इजाजत दें मरियम फ्लोर इज योर्स। जो मैं माइंड कर रही हूँ आजकल वो ये है कि हमारे दीन में एक बात बहुत ज़्यादा हर जगह बताई गई है कि आप जजमेंटल ना हो आप जज मत करें लोगों को एंड ऑन ऑल बेसिस हम फ्रेटर्निटी में तो हैं ही हम लाइमलाइट में हैं बट जनरली भी लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं ताल्लुक़ रखते उनको भी डेली हमारे अम्मी अब्बू फुप्पा चाची ताई सब एक दूसरे को इतना ज़्यादा जज कर रहे हैं दोस्त यार एक दूसरे को इतना जज कर रहे हैं सो प्लीज़ ये मत किया करें यू आर नोबडी टू जज एनीबडी ऊपर एक अल्लाह मियां है और आपको नहीं पता कि आप जिसको जज कर रहे हैं अल्लाह मियां ने उसको ऑलरेडी माफ़ कर दिया उसको ऑलरेडी जन्नत दे दी हो सो प्लीज़ जज करना बंद करें अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें और दूसरों की मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखें। क्या बात है खातिन आजाद अपना भी ख्याल रखें पाकिस्तान जिंदाबाद थैंक यू वेरी मच आप यू